brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफ़ी आहत है कि भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये बहुत ही दुखद है और हमारी तो सुशील मोदी जी से काफ़ी व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा है। गठबंधन में नहीं रहने के बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क में हम लोग रहे हैं। बहुत ही दुखद है और हमारे राज्य के लिए एक वरिष्ठ नेता को हमने खोया है, इससे हम लोग दुखी हैं और हम भगवान श्री ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में जगह दे। अरे हो गया, हाँ बोल। नहीं, वही है कि दुखद खबर है, बहुत ही काफ़ी मैं इससे आहत हूँ और मेरा व्यक्तिगत बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मुझे अपने बेटे के समान समझते थे हमेशा, अच्छे समय पर कभी भी कठिनाई के समय पे हमें हमेशा राय विचार हमेशा दिए हैं और वो राजनीति में एक्टिव थे तभी भी हमको रास्ता दिखाते थे और राजनीति में वो एक्टिव नहीं रहे तब उसके बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क रहा फ़ोन पर और हमें हमेशा रास्ता बताते रहे हैं और बिहार के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। लास्ट के समय में जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उनको जगह देना चाहिए, खैर नहीं दिए, तो ये सब तो बात अलग है, लेकिन हम काफ़ी आहत है। ईश्वर से कामना करते, प्रार्थना करते कि ईश्वर अपने जगह अपने चरणों में उनको जगह दे। काफ़ी मैं आहत हूँ इस चीज़ से। मामला ये है कि देखिए, भाजपा तो पहले से हमने कहा कि ये झूठ फैलाने वाली पार्टी है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। परसों उन्होंने झूठ फैलाया कि भारत वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान वीआईपी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, जबकि अशोक चौहान जी कभी हमारे पार्टी के कोई पदाधिकारी रहे नहीं, वो सरकारी पदाधिकारी रहे हैं और इसलिए हमारे पार्टी में कभी नहीं रहे और उनको लेकर उन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया से दर्ज किया कि ये वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो ये गलत था और इसको लेके हमने कंकड़बाग में FIR दर्ज कराया और कानूनी अपना कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग सोच रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, पर इन लोगों ने तय किया है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रहेगा। लेकिन ये तो वो भी मान रहे ना कि हमारी सरकार बनेंगे और 5 प्रधानमंत्री होंगे या 1 प्रधानमंत्री होगा, तो समय बताएगा। इससे पहले भी UPA का सरकार बन चुका है और 10 साल सरकार रहा मनमोहन सिंह के समय में और एक ही प्रधानमंत्री रहा, और ये माननीय प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा, तो ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद प्रधानमंत्री हम कितना बनाएंगे वो तो देश के जनता को पता चलेगा, उस समय आने पे पता चलेगा। और इससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर UPA का देखिएगा तो 10 साल में हमारा एक ही प्रधानमंत्री रहा है, हम बदले नहीं हैं। ये तो अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन ये दुनिया और बिहार के लोग स्पष्ट हो चुका है किसने अराजकता फैलाने के लिए किस तरीके से लोगों को जेल से रिलीफ दिलाकर क्षेत्र में बैठाया गया, ये पूरा जग जाहिर है। तो अराजकता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी NDA के लोगों ने किया और वही नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहते हैं, वो दिख गया कि नीतीश जी न फंसाते हैं न बचाते हैं, वो दिख गया कि नीतीश जी क्या चाहते हैं और नीतीश जी कैसे काम करवाएं। धन्यवाद।